तो हमने बात की थी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, और फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? चार्ज पार्टिकल के चलने के परपेंडिकुलर। और जब किसी बॉडी के चलने के परपेंडिकुलरली लगातार फोर्स लगता है तो वो किस पाथ पे मूव करती है? इसका सिंपल सा एग्जांपल कौन है? अर्थ का मोशन। अर्थ एक्चुअली सर्कुलर पाथ में नहीं घूमती, तो उसको मूवमेंट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जो कहाँ से मिलता है? लॉरेंस। अच्छा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, वहाँ वो अर्थ का काम खत्म, वो लॉरेंस फोर्स से मिलता है। और लॉरेंस फोर्स के हिसाब से हमने प्रूफ कराया था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपान आर है वो किसके इक्वल था? क्यू वी बी के इक्वल था। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या निकली थी? एम वी अपान क्यू बी। यानी आर किस पर डिपेंड कर रहा था? मोमेंटम पे, या मोमेंटम मत लीजिए, वेलासिटी पे। यानी वेलासिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा रेडियस होगी, ठीक है। और ये क्यू अपान एम क्या था? स्पेसिफिक चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज लेने का कारण क्या था? अगर मैं कहूँ कि आर डिपेंड करता है क्यू पर, ऐसा कर दूँ, अपान क्यू है ना, तो एक दिक्कत आएगी ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक ही मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो नियमता दोनों का ई क्या है? सेम है ना, तो आर गड़बड़ करेगा ना। तो आर ई पे ना लेकर के हम उसका एम भी साथ में ले लेते हैं। जिसका क्यू अपान एम ज़्यादा, उसका रेडियस उल्टा लिखा हुआ है, उसका रेडियस कम होता है। इसका टाइम पीरियड क्या निकाला गया था? टू पाई एम अपान क्यू बी, ठीक है। देखो वैसे यहाँ से हमने निकाल लिया है, ज़्यादातर टाइम पीरियड को निकालने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ओमेगा का। ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाई टी। ये तो सस्ता वाला फार्मूला था, टोटल टाइम अपान वेलासिटी, वो टाइम पीरियड निकाला था। यहाँ तक की हम बात कर चुके थे, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर, अच्छा, ये जो केस था वो कौन सा केस था? जिसमें चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री कर रहा था। आप कहते हैं मान लिया चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के से कुछ एंगल बनाता हुआ एंट्री करे, तब क्या होगा? तो सेकेंड केस आ गया कि इफ वी इज नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है। ये स्टेटमेंट लिख लेना, वरना सोचते रह जाओ कि ये कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन है कि एंटी पैरेलल लाइन है। V इज नॉट परपेंडिकुलर टू B, यानी V B के परपेंडिकुलर जब नहीं होगा तब क्या होगा? देखिए ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड है B, ठीक है, और ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ये Z एक्सिस है। हमने फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान ली है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और जो चार्ज है ना वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए एंट्री कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि आपको थीटा कहाँ से दिया गया है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि वो स्टेटमेंट न्यूमेरिकल में देते क्या हैं। तो अगर थीटा एंगल से ये एंट्री करेगा तो बी की डायरेक्शन में इस चार्ज की वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा? वी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा? वी साइन थीटा, ठीक है। तो किसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा? वी साइन थीटा की वजह से। तो अगर हमें रेडियस निकालनी हो ऑफ द पाथ ड्यू टू वी साइन थीटा, तो रेडियस का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? एम वी अपान क्यू बी। वी कौन सा लेते थे आप? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? एम वी साइन थीटा अपान क्यू बी, ये रेडियस ली जाएगी, ठीक है। और अगर टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम पीरियड का फिलहाल वेलोसिटी से कोई मतलब है नहीं, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही होगा, टू पाई एम अपान क्यू बी। अगर फ्रीक्वेंसी निकाली जाए तो क्यू बी अपान टू पाई एम। तो ये स्पेशल केस है कि अगर वी इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी होगा तब क्या होगा, ठीक है। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर दो कॉम्पोनेंट आए, तो आप लिखेंगे ड्यू टू वी साइन थीटा इट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। वॉट विल बी द इफेक्ट ऑफ वी कॉस थीटा? वी कॉस थीटा की डायरेक्शन किधर है? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर अब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल चलता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है? जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब चलेगा नहीं, तो चल रहा है, हमने कहा वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में चलता है, उस पर फोर्स नहीं लगता है। यानी कि ड्यू टू V parallel बोले तो V cos theta, it will
मूव इन अ लीनियर पाथ या इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वी कॉस थीटा की वजह से वो किधर मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी उस पर कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, उस पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। और ड्यू टू वी साइन थीटा, सेकेंड केस है, ड्यू टू वी परपेंडिकुलर, मतलब वी साइन थीटा, इट विल मूव इन सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ, और उस पाथ की ये है रेडियस और ये है टाइम पीरियड और ये है फ्रीक्वेंसी। अब बताइए क्या दो चार्ज पार्टिकल हैं, क्या यहाँ दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक ही है ना, क्या दो डायरेक्शन वो चल रहा है, चल तो एक ही तरफ रहे ना, उसके इफेक्ट अलग अलग हैं, ठीक है। तो उस मतलब वी के वी की वैल्यू वी कॉस थीटा भी है और वी के पास वी साइन थीटा भी है, एक कंपोनेंट की वजह से सर्कुलर पाथ मूव करेगा, एक कंपोनेंट की वजह से लीनियर पाथ मूव करेगा, क्या रुक रुक करके मूव करेगा, हे वी कॉस थीटा रुक जाओ हमको जरा सर्कुलर पाथ में मूव करने दो, हाँ अब तुम बताओ, अगर किसी बॉडी में सर्कुलर मोशन भी है और लीनियर मोशन भी है तो कैसा मोशन होगा, पैराबोला में सर्कुलर होता है, कहाँ पे होते हैं दो कंपोनेंट, अगर किसी बॉडी में सर्कुलर मोशन भी है और लीनियर मोशन भी है, जरा आप ऐसे ऐसे नाच करते करते आगे बढ़ो तो पैराबोलिक पाथ में मूव करोगे, ऐसे ऐसे मूव करो वो नहीं, अरे आप प्रैक्टिकली बताओ ना, ऐसे ऐसे घूमो आगे भागो कैसे होगा, जैसे घर में मार पड़ती अब तो मार नहीं पड़ती, मार पड़ती आए माए अम्मा ऐसे घूमते हैं ना, यहीं आना पड़े हुआ ना पड़े भक्तों आगे ऐसे से भगते हैं, ये कैसा पाथ है, ये स्पाइरल है, हेलिकल पाथ, यानी इट विल मूव इन अ हेलिकल पाथ, भाई कोई बॉडी सर्कुलर पाथ भी मूव करे और आगे भी चले तो स्प्रिंग टाइप का मोशन होगा ना, तो इट्स पाथ विल बी हेलिकल पाथ, इसको कहते हैं हेलिकल पाथ या स्पाइरल कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं सर्पिलाकार, सर्प के आकार का होता है, सर्पों नालायक हैं, अलग अलग तरीके के सर्प अलग अलग तरीके से चलते हैं, ठीक है, रब करें इसको तो आप लिखेंगे सो इट विल मूव इन अ हेलिकल पाथ, सो इट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, सॉरी मूव इन अ, वो एक्चुअली सर्पिलर हम होने जा रहे हैं, सर्पिलाकार और इसको मिलाए दे रहे थे, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ, इसको स्पाइरल कह सकते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, तो इस आपके हेलिकल पाथ की रेडियस निकल आई, रेडियस क्या निकली, एम वी अपान क्यू बी, वी कौन सा लेंगे आप रेडियस उसकी निकालोगे तो वी कौन सा लोगे, यहाँ पर वी परपेंडिकुलर हमने पहले बता दिया है आपको, और इसकी वैल्यू क्या रखोगे, एम वी साइन थीटा अपान क्यू बी, टाइम पीरियड निकालोगे। अब जरा इसमें एक नया वर्ड आता है पिच, इसमें पिच निकाली जाती है, एक पिच तो आपने साउंड में पढ़ी होगी, लो पिच हाई पिच वो नहीं है, पिच वर्ड आपने कहीं पढ़ा है, नहीं जनरली नहीं पढ़ा होगा पिच, हाँ क्या होता है, स्क्रू में होता है, स्क्रू जब चलता है तो देखो स्क्रू जब आप टाइट करते हैं तो स्क्रू घूमता भी और आगे बढ़ता है, उसका पाथ कैसा होता है, हेलिकल पाथ होता है, तो जब वो एक राउंड कंप्लीट करता है थोड़ा आगे बढ़ता है ना, तो एक राउंड कंप्लीट करने में जितना वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम कहते हैं पिच ऑफ दैट पाथ, ठीक है, पिच तो लिखिएगा द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या लीनियर डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल की जगह लीनियर लिख दो क्योंकि हॉरिजॉन्टल कन्फ्यूजन हो जाएगा, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वन कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड पिच ऑफ द पाथ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में चली गई दूरी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चली गई दूरी को इसका पिच कहते हैं, पिच को हिंदी में भी शायद पिच ही लिखा गया है, किसी और लिखा गया है, पिच कहते हैं। जरा इसका मतलब समझिएगा, पिच एक डिस्टेंस है ना, मतलब जब ये ऐसे यहाँ से चली और ये पूरा ये कंप्लीट हुई आगे हुई तो ये जो दूरी है इसको हम पिच कहते हैं,
तो पिच का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कौन सी, वो वेलोसिटी जो उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले जाए जा रही है, यानी वी पैरेलल। और टाइम कौन सा है, एक कंप्लीट जो है ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करने में होती है। तो वी पैरेलल क्या हो गई, वी कॉस थीटा। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2πm/qb। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका 2πm/qb इंटू वी कॉस थीटा। तो ये पिच का फॉर्मूला होता है। अब सिंपल सी बात है, अगर वो परपेंडिकुलर एंट्री करता तो थीटा क्या हो जाता, ज़ीरो। तो अपनी जगह पे ही वो रोटेट करता, आगे नहीं बढ़ता, तो पिच अपने आप क्या हो जाती, ज़ीरो हो जाती। तो थीटा रख दोगे अपने आप पिच यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगी। क्योंकि NCERT में दी हुई है, लिख लीजिएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है इसका, टेस्ला। और टेस्ला एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है, टेस्ला की जो यूनिट है वो टेस्ला एक मैग्नेटिक फील्ड की बहुत हाई वैल्यू होती है। तो इसका एक छोटा यूनिट लिया जाता है CGS यूनिट, गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10^5 गॉस होता है, यानी 1 गॉस जो है वो उल्टा बोल गए, हाँ ठीक है, 10^5 गॉस होता है, मतलब टेस्ला बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो कुछ वैल्यूज होती हैं, उन्हें याद कर लीजिएगा, अर्थ सरफेस के ऊपर, ये NCERT में दी हुई है, अर्थ सरफेस के ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस, बड़ा गंदा लिखते हैं राइटिंग, थोड़ा सोचते हैं गर्मी छुट्टी में थोड़ा कहीं पर राइटिंग एक्सपर्ट कोई नहीं लिखना सिखाता हो 2-4 दिन सिखाएगा, भगा देगा, कहेगा नालायक तुम बहुत बूढ़े हो गए, तुम सीख नहीं पाओगे, बूढ़ा तोता क्या राम राम नहीं बोलता। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू जो मानी जाती है वो 10^-5 टेस्ला है, बहुत कम वैल्यू होती है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में जो होती है, ह्यूमन बॉडी के जो नर्वस सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है 10^-10 टेस्ला, ठीक है। इंटरस्टेलर स्पेस, इंटरस्टेलर स्पेस, इसका पहले मतलब तो आता होगा आपको, जब हम किसी एक स्टार से दूसरे स्टार की तरफ जाते हैं या ऊपर जाते हैं, तो दो स्टार के बीच वो ऐसा क्षेत्र जहां पर मैग्नेटिक फील्ड या तो जीरो हो जाए या लगभग बहुत कम हो, तो वहां पर 10^-12 टेस्ला होता है, ठीक है। एक बार मैग्नेट के नज़दीक जो वैल्यू होती है 10^-2 टेस्ला होती है। और लेबोरेटरी में हम मैग्नेटिक फील्ड अपने आप जनरेट करते हैं, भाई लेबोरेटरी में हमको एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो अब तक जो हम जनरेट कर सकते हैं इन द लेबोरेटरी, वो करीब 1 टेस्ला के आसपास है। 1 टेस्ला बोले तो अर्थ का तकरीबन 10^5 टाइम्स, यानी करीब 1,00,000 टाइम कर सकते हैं, लेकिन आज के समय में हम इससे भी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हो, करना पड़ता है। जो हमारी बुलेट ट्रेन चलती है उसमें मजबूरी ये है कि हमको उसे थोड़ा सा उठा के चलाना पड़ता है, हमको जो उसका बेस बनाना पड़ता है वो माले नॉर्थ पोल है, तो नीचे भी कैसा पोल होना चाहिए, नॉर्थ पोल होना चाहिए, तो वो नॉर्थ उस नॉर्थ को रिपेल करेगा और थोड़ा उठ के चलेगी, ठीक है। एक बार जापान में ऐसा आतंकवादी भी तो कोई ट्रेंड नहीं होते हैं ना, उन्होंने बुलेट ट्रेन का पाथ ही काट दिया, बहुत पहले की घटना है, लेकिन वो विद इन सेकेंड मालूम हो गई कि कट गया है, तो दोबारा उन्होंने क्या किया, उसको काटा और एक सर्किट से जोड़ दिया, मतलब पटरी काट के अलग रख दी और उस पटरी को एक सर्किट से जोड़ दिया, तो सर्किट कंप्लीट हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड तो कहीं टूटा नहीं और ट्रेन आके उसमें एक्सीडेंट हो गया था बहुत पहले। अच्छा वो भी ट्रेंड होते हैं ना, मतलब वो ये मोबाइल नहीं यूज़ करेंगे, वो वाला करते हैं कौन सा, वो सेटेलाइट मोबाइल, हाँ कहें तो हैं। अब मैग्नेट कैसे तुम बनाओगे, मैं एक प्रैक्टिकली समझिएगा, मैग्नेट आपको चाहिए कैसा, जिसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी आप चेंज कर सकें, तो नेचुरल मैग्नेट तो फिक्स हो जाएगा, तो आपको ऐसा मैग्नेट चाहिए कि भाई चलिए आप जरूरत, अब आपको मैग्नेट फील्ड ख़त्म करना चाहते हैं तो अब क्या करोगे, उसको रखना पड़ेगा नीचे, तो क्या ऐसा मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक फील्ड हम जब चाहे बढ़ा दें जब चाहे ख़त्म कर दें, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज़ करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं ह्यूमन बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड, यानी ह्यूमन बॉडी में होता है।
आपको मालूम होगा कि आपको ये कहा जाता है कि आप इस डायरेक्शन में मत लेटा करिए गांव वगैरह में, जब चाहिए कभी कि इस डायरेक्शन में गंगा जी हैं, इस डायरेक्शन में। अब दिक्कत वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे तो ढूंढ़ शुरू किया कहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, कहाँ है, मिलेगा नहीं। तो उसको धर्म से जोड़ दिया गया। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ मैग्नेटिक लाइन्स नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, ठीक है, तो वो हमारे ब्रेन से गुजरेंगी तो हमारे बॉडी के मैग्नेटिक फील्ड को वो डिस्टर्ब कर सकती हैं, इसलिए हम उस डायरेक्शन में सर करके नहीं लेटते हैं। और दूसरा कारण क्या है, जो मेन कारण है, ठीक है, वो तो पहले की बात है। अब साइंस ने किसी और तरीके से खोजा, उन्होंने कहा देखिए जो ब्लड है ना, जो ब्रेन में जाता है, ब्रेन में बहुत बहुत पतली नर्व्स होती हैं, बहुत पतली नर्व्स होती हैं, तो वहाँ ब्लड को थोड़ा थोड़ा ब्लड करके जाता है, ठीक है। जैसे पहले लोग बच्चों को डांटते थे, मुर्गा बनाते थे, ठीक है, पहले लड़के ज़्यादा इंटेलिजेंट होते थे क्योंकि मुर्गा वही बनते थे, लड़कियों को लगभग लोग नहीं बनाते थे, डांटते थे, चलो बेटा पढ़ते नहीं हो, बहुत मारेंगे, चलो बैठ जाओ, इतना ठीक था। और लड़के मन के खड़े हो जाओ, इधर आओ, चल मुर्गा बन जा, ला डंडा, मतलब उनकी हालत ख़राब थी, तो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते थे। अभी क्या होता है कि लोग दोनों में कोई नहीं डांटा जाता है, तो लड़कियाँ ज़्यादा अच्छा पढ़ती हैं क्योंकि बिना डांटे ही पढ़ लेती थी, उनको कोई आँख दिखा दो तो उनकी इतनी इंसल्ट हो जाती थी, वो पढ़ लेती थी। और लड़कों की आँख दिखाओ, डंडा दिखाओ, अभी तबे करो, इंसल्ट फील ही नहीं करते थे, कहें ठीक है, कहें क्या हो, क्या करिए, मर ही ले हैं। तो पहले लोग मुर्गा बनाते थे, तो मुर्गा बनाने से क्या होता है कि हम चाहते थे ब्रेन में ज़्यादा ब्लड जाए। तो अभी योगा में पढ़ोगे तो मुर्गासन भी होता है, मुर्गासन होता है, पढ़िए आप, रिसर्च करो कहीं पर, तो वो होता है ऐसे मुर्गा बनोगे तो ब्रेन में ज़्यादा ब्लड जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अगर आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लेटते हैं तो ज़रा देखिएगा, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, यानी आयरन होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड आयरन को खींचेगा, तो आयरन को खींचेगा तो आपके ब्रेन में जितना ब्लड चाहिए उससे ज़्यादा ब्लड जा सकता है। नर्व्स हैं पतली और ब्लड चला गया ज़्यादा, तो हो सकता है आपकी जो नसें हैं वो चोक हो जाएं, हो सकता है। तो इसलिए कहना उस डायरेक्शन में, ये उनके लिए जिनका बॉडी बड़ी ही सेंसिटिव है, या तो जो चाहो खाओ, जिधर चाहो मुँह करके लेटो, सब ठीक है, सुबह उठ के फिर खेत पे चले जाओ। नहीं, आज की मॉडर्न समय की बात नहीं कर रहे हैं, पहले की बात बता रहे हैं, नोट करिए इसको, देखिए ध्यान से। अब लॉरेंस साहब ने बताया कि भाई जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि दोनों फील्ड एक जगह प्रेजेंट हों। और अगर इस दोनों फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है। तो अगर मान लिया कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो और मैग्नेटिक फील्ड बी हो और कोई चार्ज पार्टिकल क्यू उसमें एंट्री करे, तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट फोर्स विल बी देयर, क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता है कि चार्ज पार्टिकल उसकी डायरेक्शन में मूव करे, उसके अलॉन्ग या एंटी पैरेलल जो भी हो, वो तो डिपेंड करता है चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन हम मानते हैं चार्ज क्या यहाँ पर है, पॉजिटिव, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो इस पर फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या लगाता है, क्यू वी क्रॉस बी। ये क्या चाहता है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड और के डायरेक्ट के परपेंडिकुलर एंट्री करता है तो ये उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराता है, ठीक है। तो अगर मान लिया दोनों फील्ड हैं तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, टोटल फोर्स कितना लगेगा, एफ इज इक्वल टू मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि उस पर लगेगा क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। जरा यहाँ तो पहुँचिए इसको, यानी क्यू कॉमन ले लीजिएगा तो आएगा आपका ई प्लस वी क्रॉस बी। अब यहाँ तक पहुँचे फिर देखा जाए किसको किस डायरेक्शन देने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन जो मानी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मानी गई है, ये आप अपने आप मानेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, अपनी कन्वीनियंस के लिए जानबूझ के माना गया है। उसका रीजन भी हम बता रहे हैं, माना गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर है, वाई के लॉन्ग है, ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है और आपको ई वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे आप, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई मान लें और आपको ई वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे आप, उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ई को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जे कैप से, ठीक है। अच्छा, और ये है आपका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, और इस डायरेक्शन में आपका जा रहा है चार्ज पार्टिकल, चार्ज एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ ठीक है। अब वी क्रॉस बी निकालते हैं, निकालना पड़ेगा ना पहले, वी क्रॉस बी निकालते हैं। अच्छा,
वीक मतलब किस डायरेक्शन में है। आप जब किसी चार्ज पार्टिकल को मूव किए होंगे, उसको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब वेलासिटी दी होगी, तो क्या बोला होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। तो 5 मीटर पर सेकेंड क्या चीज़ है, उसका मैग्नीट्यूड है ना, और मैग्नीट्यूड में वेक्टर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, यानी कि v को आप v क्या लिखेंगे, वी आई कैप हो गया वेक्टर, क्रॉस b की डायरेक्शन क्या है, z डायरेक्शन। तो b को वेक्टर में कैसे लिखेंगे, b भाई v b e, इसके मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा ना आपको। वो मैं जानबूझ गलत लिख रहा हूँ, जिससे आप ध्यान से देखें हम क्या लिख रहे हैं। v b अलग कर दो और i क्रॉस k कर दो। i क्रॉस k की वैल्यू क्या होती है, once upon a time there was 11th class, there was IJK, there was cross product, leo, one, चलिए मुझे नहीं मालूम। देखो इधर, यहाँ पर एक बना लो सर्कल, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो आपका मन हो, एक 3 एरो बना दो। मैं फिलहाल यहाँ पर क्लॉकवाइज बना देता हूँ, बनाना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन नहीं, हम क्लॉकवाइज बनाएंगे, IJK लिख दीजिएगा, ठीक है। आप देखो जरा ध्यान से, इस एरो की डायरेक्शन में आप अगर आई क्रॉस जे करते हो तो क्या मिलेगा, के, जे क्रॉस के करते हो तो आई, के क्रॉस के आई करते हो तो, और उल्टा अगर चलोगे जे क्रॉस आई तो माइनस का के, डायरेक्शन साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ आई क्रॉस के क्या होगा, आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे होगा, यानी कि वी बी इंटू माइनस जे कैप, यानी कि वी क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस वी बी जे कैप, लिख सकते हैं हम। अब इस वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, पहले यहां पहुंचो फिर वैल्यू रखते हैं। अब जरा समझिएगा, ये वैल्यू उठाओ इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, हम निकाल क्या रहे हैं ये हम नहीं बता रहे, वो हम बाद में बताएंगे हम यहाँ निकालना क्या चाहते हैं, अभी तो नेट फोर्स निकाल रहे हैं, इससे एक बढ़िया जादू वाली चीज़ निकल रही है। देखो जब यहाँ वैल्यू रखेंगे Q, तो ये क्या है, ई जे कैप माइनस वी बी जे कैप। अगर यहाँ से वैल्यू निकालें Q, तो यहाँ से जे काम ले लें तो आएगा ई माइनस वी बी जे कैप। जरा आप बता सकते हो कि ये नेट फोर्स किधर लग रहा है, एक मिनट पहले नोट करिए, फिर फिलहाल हो गया सावधान, चलते हैं मैग्नेटिक फोर्स के पास। जरा मैग्नेटिक फोर्स पे आइए, पहले ये इसकी बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या आई है, वी क्रॉस बी है ना, क्यू वी क्रॉस बी, और जब वी क्रॉस बी की वैल्यू रखी तो क्या निकला है, क्यू, ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ निकाल चुके हैं ना, ये मैग्नेटिक फोर्स यही तो है आपका, क्यू वी बी माइनस जे कैप। क्या बता सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, जब हम मैग्नेटिक फोर्स निकाल रहे हैं, एफ बी अलग अलग निकाल लूँ, एक मिनट, एक लाइन बढ़ा दूँ, इस पर कन्फ्यूजन आपको हो रहा है, एक लाइन बढ़ा दूँ, वी क्रॉस भी निकाल चुके हो। अगर आप मैग्नेटिक फोर्स निकालोगे, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या फॉर्मूला होता है, क्यू वी क्रॉस बी होता है। जरा वी क्रॉस बी की वैल्यू रखो, तो माइनस क्यू वी बी जे, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या दिख रही है आपको, नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इधर की ओर आ रही है, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, और नेट फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, यानी कि वाई के लॉन्ग, यानी कि नेट फोर्स इधर काम कर रहा है, नेट फोर्स। सावधान, मैग्नेटिक फोर्स क्या चाहता है कि वो इधर की ओर जाए, ठीक है, और नेट फोर्स क्या चाहता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे में जाए। अगर कुछ हम ऐसा कर दें, अगर हम F को जीरो कर दें, इफ F इज इक्वल टू जीरो कर दें, F इज इक्वल टू जीरो कर दें, तो क्या आएगा, या तो यानी कि Q E माइनस वी बी जे कैप बराबर जीरो, तो यहां से क्या निकलेगा, V इज इक्वल टू निकलेगा E अपान B, यही तो निकलेगा, यानी अगर हम उसको वेलोसिटी कितनी दे दें, E अपान बी के बराबर, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, पहुंचे यहां पर। तो आपने कहा अगर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, E अपान बी। जरा इसको ध्यान से समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहता है,
कि वो माइनस जे डायरेक्शन में जाए, ठीक है, वैसे भी इधर ही वो ले जाएगा उसको। आप अगर आप रूल लगाते हैं अपना, कौन सा लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं ना FBI वाला, तो फोर्स की डायरेक्शन अपने आप माइनस जे की डायरेक्शन में आ जाएगी, वो निकाल के आप देखिएगा, ठीक है, हैं निकाल के देख लिया, कैसे मालूम हो गया आपको? नहीं हैं, मैं किसकी वजह से बोल रहा हूँ, तभी तो कह रहे हैं पुरानी चीज़ भुलानी पड़ेगी। हमने क्या कहा, कहें 200 रुपया उस चीज़ के नए संगीत सिखाने के लिए और 200 रुपया उस चीज़ के पुराना संगीत भूलने के लिए जो आप सीख के आए हो। एक बार ध्यान से देखो ना, मैं बोल क्या रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहता है कि वो माइनस जे डायरेक्शन में जाए, और नेट फोर्स क्या कर रहा है, ऊपर की ओर ले जा रहा है। अगर नेट फोर्स जीरो कर दोगे, जरा सावधान, जो चार्ज है वो किधर जा रहा था, वो जब अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की बात मानेगा या नेट फोर्स की बात मानेगा? नेट फोर्स की बात मानेगा, तो नेट फोर्स नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की बात भी मानेगा ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या कहेगा, इधर चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहेगा, इधर चलो। तो दोनों का नेट इफेक्ट क्या है, ये है ना, और नेट इफेक्ट क्या है, जीरो। तो इसका मतलब किसी की बात मानेगा, नहीं मानेगा, तो क्या करेगा, वो सीधे चला जाएगा। यानी कि हम अगर चाहते हैं कि हम चार्ज पार्टिकल को इधर की ओर एंट्री कराएं और यही जाके कहीं टकरा जाए, वो इधर उधर घूमे ना, तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाली कंडीशन करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, यानी कि आपने क्या किया, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को सिलेक्ट कर दिया कि आपको इधर ही जाना है, यानी ये वेलोसिटी सिलेक्टर तरह काम करता है। क्या कहते हैं इसको, वेलोसिटी सिलेक्टर, तो इसी को कहा जाता है वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है भाई। जैसे आप घर से निकले तो आपके लिए पहले से फार्मूला फिट है, अरे सिंह साहब लड़का तुम्हारा यहाँ घूम रहा है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है रास्ते में, वो देख रहा है कहाँ टहल लो है, वो यहाँ टहल रहा था, पता चला उधर गए तो उधर चाचा की दुकान, उधर चाहिए तो ताऊ, उधर गए तो पूपा, उधर गए तो नाना, जिधर जिधर जा रहे हैं वहाँ वहाँ पापा के दूत काम कर रहे हैं। तो ये वेलोसिटी सिलेक्टर है कि आप जिधर भी जाओगे सीधे आप यहीं पे आओ, ठीक है, तो ये स्थिति है। तो ये यानी अगर आपसे कहा जाए कि अगर आपको चार्ज पार्टिकल को सीधे मूव कराना है तो आप कहेंगे उसको क्या कर दो, उसको ई अपान बी के बराबर वेलोसिटी दे दो। भाई कितनी वेलोसिटी दें, अगर ई और बी परपेंडिकुलर है और उसके परपेंडिकुलरली किसी ऐसे चार्ज पार्टिकल को मूव कराया जाए जो अनडिफ्लेक्टेड मूव करे, तो आप कहेंगे उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे ई अपान बी होनी चाहिए। इस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, नोट करिए इसको। तो अगर आपसे कहा जाए वेलोसिटी सिलेक्टर, हिंदी में क्या कहेंगे, वेग वर्ण करता, और कभी कभी हिंदी में समझ में ना आए, हिंदी वालों को कभी हिंदी समझ नहीं आती है, तो आप उसको इंग्लिश टर्म में देख लेना, और इंग्लिश समझ में ना आए तो हिंदी मत देखना, क्योंकि हिंदी नहीं आएगी,